हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 40। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, यानी कि जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं ये अनलाइक में है, इनको लाइक में करना है। अनलाइक डेसिमल में है, इनको लाइक डेसिमल में करना है। तो लाइक डेसिमल में करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद यदि दो नंबर है तो दोनों ही नंबर में दो दो होने चाहिए। जैसे पहले में 9.5 है, यानी कि पॉइंट के बाद केवल एक नंबर है, और दूसरे में 102.86, तो हम केवल पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो इसको हम अनलाइक से लाइक डेसिमल में करना है। तो इसको हम कैसे कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे 9.5 के आगे आप ज़ीरो लगा दोगे तो दो हो जाएगा, और कॉमा यहाँ है तो कॉमा लगा दोगे 102.86। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद दो नंबर हो गया, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो नंबर हो गया। तो अनलाइक नंबर जब रहता है और हमको लाइक डेसिमल में उसको करना होता है, तो हम जो ज़ीरो लगाते हैं ये राइट साइड में, इस साइड में लगाते हैं, इधर लगा के हम उसको लाइक बना देते हैं, लाइक डेसिमल। नेक्स्ट दूसरा है 4.8 यहाँ पे है, यहाँ पे है 6.06, तो इसको हम कैसे बनाएंगे 4.8, तो इसी के आगे इधर हम ज़ीरो लगा देते हैं और कॉमा 6.06 है, तो अब 06 है, तो ये दोनों पॉइंट के बाद इधर भी दो नंबर हो गए, पॉइंट के बाद इधर भी दो नंबर हो गया, तो ये लाइक डेसिमल में हो गए, अनलाइक से लाइक डेसिमल में हो गए। इसी तरह कोई भी नंबर रहता है उसको हम करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर में है तो इन सबको हमको 3 नंबर में करना होगा। तो यहाँ 7.14 है तो उसके आगे एक ज़ीरो और इस साइड में हम लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पे 3.9 है तो यहाँ पे 0.0 दो ठो और बढ़ा देंगे, तो इस तरह से लाइक में हो जाएगा। तो जब हमको अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल में हम करते हैं तो राइट साइड में, यानी कि इस साइड में ही ज़ीरो बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे है 101.01, 19.708, तो हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखते हैं, यहाँ पे 3 है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, एक दो ज़ीरो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, तो इस तरह से ये लाइक हो जाता है। तो इस तरह से हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में बदलते हैं। इस तरह पॉइंट के बाद यदि यह दो पॉइंट के बाद यहाँ दो नंबर है यहाँ पे दो नंबर है तो सब में यहाँ पे 3 नंबर है सबसे अधिक, तो जितने भी यहाँ 3 नंबर है तो तीनों नंबर में पॉइंट के बाद 3-3 नंबर हमको करने होते हैं। यदि पॉइंट के बाद दो नंबर है लार्जेस्ट तो सब में दो दो होने चाहिए। जब सब में इक्वल हो जाते हैं पॉइंट के बाद नंबर तो वो लाइक डेसिमल में हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है 17.716 है तो इन दोनों को भी हमको उसी में करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 0.5 के बाद दो ज़ीरो और लगा देंगे तो ये 3 नंबर पॉइंट के बाद इसमें हो जाएगा। इसी तरह 5.7 है तो 7 के बाद दो ज़ीरो और लगा देंगे, तो इस तरह ये जो नंबर है लाइक फ्रैक्शन में हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में तब होता है जब डेसिमल के बाद सेम नंबर होने चाहिए सब नंबरों में। इस तरह आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। फिल इन दी बॉक्सेस विद द सिंबल, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल को यहाँ पे लगाना है हमें। तो 0 पॉइंट ए है 0.707, यहाँ पे 1 है तो 1 हमेशा पॉइंट वाले नंबर से बड़ा होता है, तो 1 यहाँ पे बड़ा है। 2.01 यहाँ पे 2.001, तो यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट यहाँ भी है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाता है, तो
जब नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट के बाद सेकंड नंबर वन आ गया है, तो सेकंड नंबर पे ही यहाँ वन आ गया है, यहाँ थर्ड नंबर पे वन आया है, तो जो सेकंड नंबर पे आता है तो वो बड़ा नंबर हो जाता है, थर्ड नंबर पे आएगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो इसमें ये बड़ा होगा। उसी तरह यहाँ बी नंबर देखते हैं, सिक्स पॉइंट, तो सिक्स पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एट है तो एट इसमें भी है, और उसके बाद एट के बाद यहाँ ज़ीरो है, और एट के बाद यहाँ फाइव आ गया है, तो एक एक नंबर को हम मिलाते जाते हैं, तो जहाँ पे नंबर बड़ा, यहाँ पे एट के बाद ज़ीरो है, यहाँ एट के बाद फाइव आ गया है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये है 7.56, तो यहाँ भी 7.56 है, तो ये तो इक्वल है। ये देख लेते हैं, यहाँ भी वन है ई नंबर, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, वन के बाद पॉइंट है, इसके बाद नाइन आया है तो इसमें भी नाइन आया है, फिर नेक्स्ट हम नंबर मिलाते हैं, यहाँ थ्री है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो थ्री नंबर ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा नंबर। इस तरह से हम डेसिमल का कोई भी नंबर होता है तो उसको सिंबल लगाते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम नंबर को मिलाते हैं, यहाँ 0.0.0. सब में ज़ीरो ही पॉइंट से स्टार्ट है, फिर उसके बाद वाला नंबर हम मिलाते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे थ्री है, पॉइंट के बाद यहाँ ज़ीरो है, पॉइंट के बाद यहाँ वन है, पॉइंट के बाद यहाँ सिक्स है, पॉइंट के बाद यहाँ ज़ीरो है, तो सबसे छोटा वाला नंबर हमें देखना है, तो इसके बाद वाला नंबर हम मिलाएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ए में टोटल कितने नंबर हैं, तो वन वन टू थ्री फोर फाइव नंबर हैं टोटल, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ज़ीरो पॉइंट, सब में ज़ीरो पॉइंट है, तो ज़ीरो के बाद वाला नंबर पॉइंट का फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद थ्री है, तो पॉइंट के बाद जो सबसे लार्ज नंबर होता है वही सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ थ्री है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ वन, यहाँ सिक्स, यहाँ ज़ीरो, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर है, तो ये फाइव नंबर पे आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे जो छोटा है उसको पहले नंबर पे लिखते हैं, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, तो ये फाइव नंबर पे आएगा, इसके बाद बड़ा कौन सा है, इस नंबर को छोड़ के बाकी को हम मिलाएंगे, तो पॉइंट थ्री यहाँ पे है, पॉइंट के बाद सबसे बड़ा नंबर यही है, थ्री है, तो ये फोर नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद हम मिलाएंगे, तो पॉइंट के बाद यहाँ इसमें ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो, यहाँ पे वन है पॉइंट के बाद, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला नंबर मिलाएंगे, तो ज़ीरो पॉइंट यहाँ सिक्स है और यहाँ 0.1 है, तो ये सिक्स बड़ा है, तो इसलिए दूसरे नंबर पे ये आएगा और पहले नंबर पे ये आ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो ये वन नंबर पे जो है इसको सबसे पहले लिखेंगे, इस तरह 0.01 सबसे पहले ये आएगा कॉमा, उसके बाद 0.06, उसके बाद 0.1, उसके बाद 0.34, उसके बाद लास्ट पे आएगा 0.61, ये सबसे लास्ट नंबर पे आएगा। तो इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में ये आंसर हो गया। इसी तरह आपको देखना है बाकी सब नंबरों को भी, बी वाला देख लेते हैं, यहाँ पॉइंट थ्री पॉइंट है, यहाँ टू पॉइंट, यहाँ फोर पॉइंट, थ्री पॉइंट, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ये फोर, फोर जो है फुल नंबर है, तो ये पहले काउंट कर लेंगे कितने नंबर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो ये फोर पॉइंट है, तो ये सिक्स नंबर पर आएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो थ्री पॉइंट ये भी है, थ्री पॉइंट ये भी है, तो यहाँ देखेंगे थ्री के पॉइंट
थ्री पॉइंट के बाद वाला नंबर यहाँ ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, फिर सेकंड नंबर मिलाएंगे यहाँ फाइव है, यहाँ ज़ीरो है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो फाइव नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे यहाँ फाइव आ गया है, जबकि यहाँ थर्ड नंबर पे आया है, तो ये फोर नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे टू वाला, ये टू 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 पॉइंट वाला, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर देखेंगे, यहाँ नाइन है, यहाँ भी नाइन है, तो ये दोनों। फिर तीसरे वाले को देखेंगे, तो यहाँ पे वन है, तो नाइन और नाइन वाले को पहले हम मिलाएंगे टू पॉइंट, तो नाइन के बाद हम यहाँ पे ज़ीरो आ गया है, यहाँ पे वन है, तो ये इसके बाद तीसरे नंबर पे ये बड़ा होगा, चौथे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे आएगा, इसके बाद पहले नंबर पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे छोटा वाला ये वन नंबर वाला, फिर टू नंबर वाला, थ्री नंबर, फोर नंबर, फाइव और सिक्स नंबर, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 1.1 है ये, और ये है 1.01, तो दोनों में से कौन बड़ा है, यहाँ पॉइंट के बाद देखेंगे, तो ये 1 आ गया है, यहाँ पे 0 है, तो ये 1 नंबर पे लिखेंगे, ये सबसे बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद हम देखेंगे, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 आ गया है, तो ये तीसरे नंबर पे है, ये बड़ा है, उसके बाद यहाँ ये चौथे नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.01 है, यहाँ 0.001 है, तो इससे भी ये स्मॉल है। तो इस तरह सबसे पहले हम बड़े वाले को जो 1 नंबर पे है इसको लिख लेंगे ऐसे, 1.01, 0.01, 0.01, 0.01, फिर कॉमा 0.01, आएगा 0.001, ये सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम बड़े वाले को लिखते हैं, फिर उससे छोटा, ऐसे हम लिखते जाते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज 40 को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं।